40वां अध्याय द्रुमृत्यु होने पर सदगति लाभ के लिए नारायण बलि का विधान। गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान, किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा होता है, उन्हें वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है, उनकी कौन सी गति होती है, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं, उनके मार्ग पार लौकिक गति स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लांघते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जल में डूबने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से, विषपान से तीक्ष्ण क्षीण होकर अग्निदाह, सांड प्रहार तथा विसूचिका रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण म्लेच्छादि जातियों द्वारा मारे जाते हैं, वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता सियार के स्पर्श, दाह संस्कार रहित, कीटाणुओं से परिव्याप्त, वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोगों से पीड़ित होकर मरते हैं, दोष सिद्ध व्यंग्य पूर्ण बात, पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं, चांडाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विद्युत निपात, अग्नि, दंतधारी पशु तथा वृक्षादि के पतन से मरते हैं, जो रजस्वला, प्रसव, शूद्रा और धोवनी के सहवास से दोष युक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि को प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार, अशौच निवृत्ति और जल क्रिया का क्रम नहीं करना चाहिए। गरुड़, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आद्य कर्म और दैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे गरुड़, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र की तत्काल दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जलयुक्त गंभीर जलाशय, बावली, कूप, गौशाला, घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराए। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण करें। उसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण, पुरुषोक्त अथवा अन्य मंत्रों से दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में इस मंत्र से ध्यान करें कि अनाधि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अव्ययः पुण्डरीकाक्षः प्रेत मोक्ष वरदो भव। अनादि अनंत शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अव्यय देव पुण्डरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करें। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त, ईर्ष्या द्वेष रहित, जितेंद्रिय पवित्र, धर्म परायण, दान धर्म में संलग्न, शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो, उसके बाद भक्ति पूर्वक वहाँ एकादश श्राद्ध करे। समाहित चित्त होकर जल, धान, यव, साठी, धान, गेहूं, कंगनी, शुभ हविष्यान, मुद्रा, छत्र, पगड़ी, वस्त्र, सभी प्रकार के धान्य, दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पददान बिना पंक्ति भेद किए सभी ब्राह्मणों को इस शुभ अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा ताम्र पात्र में पृथक पृथक गंध अक्षत पुष्प युक्त तर्पण करें। ध्यान धारणा से एकाग्र मन हो, घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वेद शास्त्र के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध में ऋचाओं से पृथक पृथक अर्घ देना चाहिए। उस समय मंत्रों का उच्चारण करें और पिंड पर अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन करना चाहिए। एकादश दैवत्य श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करें। उस दिन चारों वेद के ज्ञाता, विद्याशील और सदगुण संपन्न, वर्णाश्रम धर्म पालक, शीलवान, श्रेष्ठ, अविकल अंगों वाले, प्रशस्त और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आवाहन करें।
उसके बाद सुवर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लौह से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत का निर्माण करें, इनकी प्रतिमा को बनाना चाहे, मंत्रों के द्वारा इन्हें अभिमंत्रित करना चाहे और उसके बाद स्थापित करें। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत, इन पांचों के लिए पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखें। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करें एवं पृथक पृथक तत्तन मंत्रों से उनका जप करें। उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त पांच श्राद्ध करने चाहें। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्र पात्र या उसके अभाव में मिट्टी के पात्र में सर्वौषधि समन्वित तिलोदक लेकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करें। गरुड़ आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडल, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र, ये आठ पद माने गए हैं। इनके साथ ही सुवर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिलपात्र, ताम्र पात्र पूर्ण भर करके देना चाहिए ब्राह्मण को। ऋग्वेद पारंगत ब्राह्मण को हरी भरी फसल से युक्त भूमि, यजुर्वेद निष्णात ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से सामवेद का गान करने वाले ब्राह्मण को सुवर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लौह और दक्षिणा देनी चाहिए ब्राह्मणों को। सर्वौषधि से समन्वित कुश द्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुत्तल का निर्माण करके कृष्ण जिन को छिपा कर उसमें उसे स्थापित करें और पलाश का विवाह करके 360 वृंतों के पुत्तल की हड्डियों का निर्माण करें, यथा श्रोभाग में 40 वृंत, ग्रीवा में 10, भक्षस्थल में 20, उदर में 20, दोनों भुजाओं में 100, कटि प्रदेश में 20, दोनों उर्वों में 100, दोनों जंघाओं में 30, शिश्न स्थान में 4, दोनों अंडकोश में 6 और पैरों की अंगुलियों में 10 वृंतों से उस कल्पित प्रेत पुरुष की अस्थियों का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद उसके श्रो भाग पर नारियल, ताल प्रदेश में लौह की, मुख में पंचरत्न की, जिह्वा भाग में केला, आंतों के स्थान पर कमलनाल, प्राण भाग में बालू, वसा के स्थान पर मेदक नामक अर्घ, मूत्र के स्थान पर गोमूत्र, धातु के स्थान में गंधक, हरिताल एवं मनःशिला तथा वीर स्थान में पारद पुरुष और मल के स्थान में पीतल, संपूर्ण शरीर में मनःशिला, संधि भाग में तिलक, तिल की पीठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम केसर के स्थान में बरगद की वरोह, त्वचा भाग में मृगचर्म, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान में गुंजाफल, नासिका भाग में कमलपत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों अंडकोशों के स्थान में बैंगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे, कौपीन के स्थान पर त्रपु, दोनों स्थानों में स्तनों में मुक्ताफल, सिर में कुमकुम का लेप कर कर्पूर, अगरु, धूप तथा सुगंधित पुष्प मालाओं का अलंकरण, परिधान के स्थान पर पट श्रोत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखें। उसके दोनों भुजाओं में रिद्धि तथा वृद्धि, इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करके यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भरे, तदनंतर नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबूलादि विभिन्न उपहारों से सुशोभित करें। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वौषधि प्रदान करके जैसा कहा गया उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहे। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र में भी देना चाहे। मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके उससे प्रेत पवित्र करण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाले सुशीला गौ का दान करें। तिल, लोह, रुई, कपास, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से बढ़कर एक पुण्यदायक दान है, इनका दान करें। बैतरणी दान भी करना चाहिए। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करें। अब एव मंत्रों द्वारा प्रकल्पित प्रेत पुत्तल की मनुष्य मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करें। तदनंतर 3 दिन श्रोतक माने दशा कर्म करने वाला यजमान इस बीच प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं को संपन्न करता है तो प्रेत अपने मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 41वां अध्याय, वृत्सोत्सर्ग की संक्षिप्त विधि। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, कार्तिक आदि महीनों की पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाले शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृत्सोत्सर्ग करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करके वत्सरी के साथ वृष का विवाह और वृष के खुर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करें।
वापी और कूप के निर्माण उत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार करके अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहे। विवाह विधि के संपन्न ब्रह्मा का वरण करना चाहे। यज्ञीय पात्रों की क्रमिक स्थापना, पायस खीर का पाक, उपयमन कुसादि का क्रमशः स्थापन करें। यज्ञीय पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम दो आहुति आधार और उसके बाद दो आज्य भाग संज्ञक आहुतियां हैं, अतः मंत्रों के द्वारा यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आधार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुतियां दें। मंत्रों के द्वारा ही एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनों से सुष्टकृत होम करें। तदनंतर प्रथम व्याहृति होम, प्रायश्चित होम, प्रजापति होम, संत्रव का प्राशन करके उसके बाद प्रणिता का प्रोक्षण करके पवित्र प्रतिपति करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक रंग के वृष और एक वत्सरी को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करें। तदनंतर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है, उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादश श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहे। इस विधि का सम्यक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। 42वां अध्याय भूमि तथा गोचरम भूमि आदि अनेकों महात्म्य और ब्रह्मस्वहरण का दोष। भगवान विष्णु ने कहा, गरुड़, जिस प्रकार एक ही वत्स हजार गायों के बीच स्थित अपनी माता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करता है। कि यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दन्ति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तार मनुगच्छति। भूमिदान करने वाले प्राणी का अभिनंदन सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसार में भूमि के समान दान नहीं है प्यारे, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान कोई पातक नहीं। कि नास्ति भूमि समम दानम, नास्ति भूमि समो निधि, नास्ति सत्य समो धर्मो, नान्द्रता पातकम। अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति सुवर्ण, गौ एवं पृथ्वी का दान करता है, उनसे मानव त्रैलोक्य का दान कर लिया गया है। गौ, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों अतिदान कहा जाता है। इनको जप, पूजन तथा होम करके दिए गए ये तीनों दान नरक से उद्धार करते हैं। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचर्म भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। इस दान से दी हुई वस्तु को लोभवश हरण करने वाले को रोकना चाहे। जो उसका परीक्षण नहीं करता है वह घोर नरक में जाता है। प्राण भले ही कंठ में आ जाए तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहे, कर्तव्य कर्म ही करना चाहे, ऐसा धर्माचार्यों ने कहा है। किसी की आजीविका को नष्ट करने पर हजार गौओं के वध के समान पाप लगता है तथा किसी जीविका का हरण को आजीविका प्रदान करने पर लक्ष्य धेनु दान का फल प्राप्त होता है। गो हत्यारे आदि से एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलना में 100 गौदान करना श्रेष्ठ नहीं है। 100 गौदान करना तो हत्यारे से एक गाय को बचा लेने की समता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है वह प्रलय काल तक नरक का भोग करता है। जीविका रहित निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने पर भी संभव नहीं है। दुर्बल प्रस्त ब्राह्मण की रक्षा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है
वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने पर नहीं होता। बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मण के धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियां युद्ध काल में वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे बालू के द्वारा बनाए गए पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है वह अपने कुल की 7 पीढ़ी को भस्म कर देता है। उसी ब्राह्मण का उपयोग यदि चोरी करके किया गया जो धन है तो उसके कुप्रभाव से वह जब तक चंद्रमा है तब तक वह नरक में रहता है, जब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर के चूर्ण को खाकर पचा सके, किंतु तीनों लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचाने में समर्थ हो सकता है। देव द्रव्य का विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने से प्राणियों के कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्या से विवर्जित है तो आचार्यत्व के लिए वरण करने के संदर्भ में उसका परित्याग करना चाहिए। ब्राह्मण अतिक्रमण नहीं है, जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता। संक्रांति काल में जो दान और हव्य कव्य दिए जाते हैं वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दान दाता को प्रदान करता है। प्रतिग्रह अध्ययन और यज्ञ करवाने के योग्य कार्यों में विद्वान प्रतिग्रह को ही अपना अभीष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रह से जप होम और कर्म शुद्ध होते हैं। याजन कर्म को वेद पवित्र नहीं करते। निरंतर जप एवं होम करने वाला तथा इसके द्वारा बनाए गए भोजन को नरक करने वाला ब्राह्मण रत्नों से परिव्याप्त पृथ्वी का प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रह के दोष से निर्लिप्त रहता है। 43वां अध्याय। नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़, जो जल अग्नि तथा अन्य किसी बंधन के भय से धर्म पथ से विचलित हो गए हैं और जो सन्यास धर्म का परित्याग करके पतित हो चुके हैं वे गौ और वृषभ का दान देकर 2 चांद्रायण व्रत से शुद्ध हो जाते हैं। 12 वर्ष से कम और 4 वर्ष से अधिक आयु वाले बालक के पाप का प्रायश्चित माता पिता अथवा अन्य बांधवों को करना चाहे। 4 वर्ष से कम आयु वाले बालक का न कोई अपराध है और न ही कोई पाप, उसके लिए न तो राजदंड है और न कोई प्रायश्चित का विधान। यदि रजो दर्शन होने पर स्त्री रोग ग्रस्त हो जाए तो वह 4थे दिन वस्त्रादि का परित्याग करके स्नान से शुद्ध हो सकती है। आतुरकाल में जनना शौच प्रचुर स्नान करने पर कोई जो रुग्ण न हो ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद यदि उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता जाए तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। इस परम पावन आख्यान को नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों से सुनाते हैं।